ये रहा वो स्वर्ग जिसका दरवाजा खोलने का सौभाग्य मेरे इन खुशनसीब हाथों को नसीब हुआ। जाओ बच्चों, अपनी इस नई दुनिया में खो जाओ और बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अब पहले आप बाहर तो जाइए। मुबारक। थैंक यू। मैं सुबह फिर आऊंगा। जी। शुभ रात्रि। नमस्ते। सुबह क्या, आप कभी भी नहीं मिलेंगे, नरक से लेटर भेजते रहना। भगवान ना करे, कैसी बात करते हैं आप। भगवान मेरी आंखें फोड़ दे, मेरे मन में कीड़े पड़ जाए अगर ऐसे गंदे ख्यालात की हवा भी मेरे मन से गुजरी हो। जीते रहो जीते रहो। भगवान चाचा के पैर छू। हाँ जी, पाए लगे चाचा जी चाचा। भगवान आपको 100 साल तक छाता बनाए रखे। भगवान 100 साल तक आपका साया हमारे सर पे सलामत रखे। बापू, मुझे नहीं लगता कि आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर क्यों खामखा चाचा जी को कष्ट देकर हमारा छाता बनने की दुआ दे रहे हो। आई। नमस्ते जल जी। अरे आओ बेटा। भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, अपने भाई से मिलो। हेलो। ये है मेरा इकलौता बेटा। नाम क्या तेरा? नाम नहीं है। महेश। कैसे बेटा? चाचा जी, अभी यहाँ साय की बात चल रही थी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे फार्म्स वगैरह जो बरसों से आपके साये के नीचे पल तो रहे हैं लेकिन फल नहीं रहे। क्या मतलब होता है इसका? वो मतलब ये कि आपके भेजे हुए अकाउंट्स और खेती बाड़ी के हिसाब किताब देखकर ऐसा लगता है कि मामला मुद्दतों से घाटे में चल रहा है। तो ऐसे बिजनेस से क्या फायदा जिससे घर में कुछ आने की बजाय उल्टा घर से कुछ जाता रहे। भाई साहब, आप भी कभी कभी बच्चों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। ये अभी अभी अमेरिका से आया है नौजवान, है कहां इसको गुड़ गोबर मिट्टी के चक्कर में फंसा रहे हैं। अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है। जी नहीं चाचा जी, खेल तो मैं बहुत चुका हूँ, अभी मेरे बिजनेस में कूदने की उम्र है। जरूर कूदो बेटा, और किसी दिन फार्म पे आ जाओ तो हम मिल के कूदेंगे, कदम कदम पे कूदेंगे। और किसी दिन मैं आईने की तरह साफ हिसाब सामने रख दूंगा तो तुम खुशी के मारे कूद पड़ोगे, मत उछल पड़ोगे। आना जरूर है। ये जो टैक्सी में सामान रखा तेरा बाप निकालेगा, मीटर बढ़ रहा। बड़े भैया, ये क्या हो गया? ये भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई जो तू मुझसे मेरा बड़ा भाई छीन रहा है? और भैया, मैंने आपकी अभी इतनी सेवा कहाँ की है जो आप अपनी जायदाद का मुझे हकदार बना रहे हैं? मेरे कमजोर कांधे आपकी इतनी बड़ी जायदाद का बोझ नहीं उठा सकते। जाइए मेरे जायदाद, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। अगर आप ऊपर जाएंगे तो कंपनी देने के लिए मैं भी साथ में ऊपर चलूंगा। क्या है? चिल्लाइए मत, आपके भाई साहब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए भैया, ये क्या मनुष्य बातें कर रही है? भैया आप इतनी जल्दी अच्छे क्यों हो गए? कम से कम मुझे आने दिया होता, आपकी दबा दबा के सेवा करने दिया होता। खूब सेवा करता आपकी तब आप अच्छे होते, तो कोई बात भी होती। भैया अपनी आंखें खोलिए और बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने जो पैर के नीचे ट्यूब दबा रखी है उस पर से पैर हटा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, गलती से दब गया था। अपनी गलती पर काबू रखिए, गलती से किसी का गला मत दबा देना। अगर तुम वाकई में होशियार आदमी होते तो विजय और ज्योति को हनीमून मनाने के लिए गांव में दावत नहीं देते। एक तो फार्म का हिसाब किताब बॉम्बे के ऑफिस में बड़े गौर से जांचा जा रहा है और ऊपर से तुमने उन्हें गांव में बुला लिया है। कसम अपनी नजर की, अगर बुला लिया तो क्या हुआ? अरे ये कैसा मेरा बापू है? क्या हुआ बापू? ये मजदूर लोग बचपन में काम पे लगे थे और आज बूढ़े होने को आए, मगर हमने आज तक एक फूटी कौड़ी पगार में नहीं दी। क्यों दें? अरे जिंदा रहने देते हैं, क्या कम है जो साथ में पगार भी दे? वो तो सब ठीक है बापू, अगर विजय को पता चल गया कि तुम ऑफिस से पगार मंगाते तो हो लेकिन खुद हड़प कर जाते हो तो बापू वो हमें जूते मार मार के गांव से बाहर निकाल देगा, कसम बापू की। बेटे, दुनिया की किसी फैक्ट्री में वो जूता बने ही नहीं जो हम पर पड़ने की हिम्मत कर सके। मेरी हर चाल शतरंज की चाल होती है, जो दिखती कुछ है, लगती कुछ है और होती कुछ है। बट मैंने जानबूझकर प्यार भरा निमंत्रण देकर उनको यहाँ बुलाया है कि वो यहाँ आए और यहाँ से सीधे यमलोक पहुंच जाए। अब कौन है? आज जिंदगी में पहली मर्तबा तूने ढंग के कपड़े पहने, मेरी नजरों को भा गया। लानत है आपकी नजर पे, जिस पे नजर डालते उसकी कब्र खुद जाती है। हक दिया ना, हो गया आपका कलेजा ठंडा? आपकी नजर में तो शैतान बैठा हुआ है, समुंदर की तरह भी घूर कर देखोगे वो भी भाप बनकर आसमान में उड़ जाएगा। मालिक मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, यही तो मेरी नजरों का कमाल है, ये मेरी जिंदगी कमाई है।
पैदा होते ही मैंने अपने बाप की तरफ घूर के देखा, वो ढसल गए। उसके बाद अपने मामा की तरफ देखा, उसका जनाजा निकल। फिर अपनी भाभी को देखा, उसकी अर्थी उठ गई। आप मेरी तरफ घूर के मत देखना, देखो मेरी टांगे कांप रही हैं। थोड़ा तो देखने दे। उधर देखो, उधर देखो, आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम। चिल्ला तो रहे। बर्बाद करके रख दिया। बाबू लग रही है, लग रही है। राम खोर। अरे अरे चाची जी, कोई जवान बेटे को ऐसे मारता है? ये बेटा नहीं है, ये दुश्मन है। अरे क्या दुश्मनी की है इसने? क्या दुश्मनी की है? अरे तुम यहाँ आए हो, इसको चाहिए तो तुम्हारी देखभाल करता, तुम्हारी रखवाली करता, अपनी खाल उतारकर कालीन बनाकर तुम्हारे कदमों में बिछा देता, मगर ये सुअर यहाँ बैठकर आइसक्रीम चाट रहा था। मुझे नहीं चाहिए इसकी औलाद, मेरा इसका रिश्ता खत्म। अरे चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी निकम्मी औलाद, ऐसी सड़ी हुई औलाद, ऐसी सुअर औलाद, ऐसी कुत्ती औलाद। ठीक है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो ना सही, इसे मैं रख लूंगा। क्या करोगे इसको? रखिए, इसे शहर लेकर जाऊंगा। तुम इसे साथ ले जाओगे? हाँ, मैं इसे शहर लेकर जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, काम सिखाऊंगा, ये दुनिया देखेगा, लोगों से मिलेगा, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ये बहुत जलील चीज है, ये वो पत्थर है जिसको तराश के मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, ना ईंट बना सकती है, इसे से सर फोड़ा जा सकता है। फिक्र न करें, इस सर फोड़ने वाले पत्थर की मूर्ति। एक पतिता की नाजायज औलाद की इतनी हिम्मत कि भगवान के प्रसाद को छूकर पवित्र कर दिया। अगर एक मासूम बच्चे के छूने से तुम्हारे भगवान का प्रसाद अपवित्र हो जाता है तो मुझे तुम्हारे भगवान पर हैरत है। अगर वो इतना कमजोर है कि किसी के छूने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने भक्तों के पाप कैसे धोएगा? बकवास बंद करो सुन कुल्टा, अपनी इस गंदी और नापाक जबान से भगवान का नाम मत ले। भाई और बहनों, ये छोटे चरित्र की औरत इत्तेफाक से मेरे बड़े भाई की बहू थी, इसको इसकी गंदगी के साथ घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि शादीशुदा होते हुए इस कुल्टा के एक गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और एक दिन इसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, आप लोग फैसला कीजिए कि ऐसी कुल्टा को, ऐसी गंदी औरत को, ऐसी गिरी हुई औरत को भगवान के मंदिर में आने का हक है? क्या कि तुम्हें मेरे दिल से निकाल कर जेल भिजवा दे? अरे डार्लिंग, तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मामूली टाइपिस्ट से बॉस की सेक्रेटरी बना दिया है। थैंक यू। अरे मेरी जान, तुम सिर्फ चेक पे चेक साइन करवाती जाओ और मेरे दिल के अंदर जो तुमने अपना घर बनाया है ना, उस पे फ्लोर चढ़ाती जाओ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, वो बहुत सीरियस है, आपके खानदान का चिराग बुझ रहा है, उसे बचा लीजिए, भगवान के लिए उसे अपनी जीप में हॉस्पिटल ले चलिए, मैं आपके पांव पड़ता हूं। हराम के बच्चे के लिए मेरे दरवाजे पे मदद मांगने आई है? उसके पास जा जो उसका बाप है, याद तो है ना उसका बाप कौन है? हाँ, याद है, उसका बाप वो है जो इस हवेली का मालिक है, यहाँ की एक एक चीज का मालिक है, जिसका तुम बरसों से नमक खा रहे हो, और उसके बच्चे को बचाना तुम्हारा फर्ज है। अरे जा कुल्टा, बाप के गंदे हाथों से अपना मुंह काला करके तू मुझे मेरा फर्ज समझा ले आई है? चली कर यहां से। दे दो, जितनी गालियां देनी है दे दो, जी भर के बुरा भला कहो, लेकिन मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। अच्छा है मर जाने दे, हराम की औलाद का मर जाना ही अच्छा है, तेरा कलंक भी मिट जाएगा और धरती से पाप का बोझ भी हट जाएगा। अरे भैया माने वाला चुप, इस वक्त मेरा बच्चा मर रहा है और एक मरते हुए बच्चे की माँ घायल शेरनी से ज्यादा खतरनाक होती है, चाबी दे वरना चाकू का एक झटका मारकर इस पापी कंधे से ये शैतानी सरकार का